दस्तगीर होए पंज पीर हर गुर गोबिंद हर गोबिंद अतोला दीन दुनी का पातशाह दीन दुनी का पातशाह 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 अडोला अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी अर्जन काया अर्जन काया पलट के मूरत अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी अर्जन काया पलट के ओ चली पीढ़ी सोचिया चली पीढ़ी सोचिया पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल पंजन गुर सूरमा वड योदा बहु पारी उपकारी पुछन सिख अरदास कर छिया महला तक दर्श निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी कल युग पीढ़ी सोडिया निहचल नीव उसार खलारी जोग जोग सतगुर तरे अवतारी जोग जोग सतगुर आदरयोग साथ संगत जीओ तिथां दे हिसाब नाल अज दा जो दिन है छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दा गुरगद्दी दिवस है। वैसे गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी शहादत अजे आउणी है पर इतिहास इस गल दा जिक्र करदा है
लाहौर जाण तो पहला गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने हुंदिया जाण तो पहला गुरियाई दा तिलक अपने सपुत्र 11 साल दी उम्र विच श्री हरगोबिंद साहब जी नू दे के गए सन। कुछ इतिहासकारां दा इह वी मत है भई गुरु अर्जन देव पातशाह बहुत सारिया सिख्यावां दित्तियां ते उन्हां सिख्यावां दे विच्चों एक सिख्या यह भी सी भई समा आ गया हुण हथ विच तलवार फड़नी है हुण शस्त्रधारी होना है। बहुत सारे इतिहासकारां दा यह मत है यह मनना है भी पंजवें पातशाह यह बचन करके गए सन छेवें पातशाह नूं भी शस्त्रधारी होना है। हुण एक सवाल खड़ा हुंदा है भई जुलम गुरु नानक देव पातशाह दे वेले भी हो रहा सी बाबर चढ़ के आया बाबर ने बहुत जुलम किया गुरु नानक देव पातशाह उस जुलम नू वेख के इन्ने दुखी होए कहना पिया एती मार पई कुरलैणा तै की दर्द ना आया उस परमेशर नाल गिला किया इन्ने हजारा औरतों के सुहाग उजड़ गए ने हजारा बच्चे यतीम हो गए ने हजारा मावां दे पुत मार दिते बाबर ने ऐ परमेशर ओ तेनू रता भी तरसना आया इन्ना निर्दयी बन गया तू। जुलम तां गुरु नानक देव पातशाह दे वेले भी बड़ा सी जुलम गुरु अर्जन देव पातशाह दे समय बहुत होया। एक सवाल यह पैदा होंदा भी तलवार पहला क्यों ना फड़ी। बाबर ने जदों हमला किया जां जिन्ने भी जालम आए उन्हां दे हथ विच तलवार है तलवार दा मुकाबला तलवार करेगी यह गल पक्की है पर तलवार पहला क्यों ना फड़ी। छेवें जामे नूं गुरु अर्जन देव पातशाह हुक्म करके जा रहे ने आप क्यों ना तलवार फड़ ली। एक बड़ा वड्डा सवाल खड़ा हुंदा जे तां सब तो घट शब्दां विच इहदा जवाब दे देवां ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दी रसना मुबारक रसना तो निकले हुए जेडे बोल ने एदू सटीक जवाब नहीं। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दी रसना तो निकले हुए जेडे शब्द ने एदू सटीक जवाब नहीं हो सकता इस सवाल दा। ओ की है सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह बचन करते ने जिन्ना चिर तक तुहाडी आत्मा नाम जप के ताकतवर नहीं बन जाती तुसी धर्म देश कौम वास्ते कोई भी कुरबानी का काम नहीं कर सकते। चेता रखियो तलवार निरजिंद है निर्जीव है तलवार अपने आप कुछ नहीं कर सकती कोई भी शस्त्र नहीं कर सकता। तलवार चालक दे हाथ विच है शस्त्र हथां ते पैरां नाल चलाए जांदे ने शस्त्र अपने आप नहीं चलदे निरजिंद ने। शस्त्र दी कमान है हथां ते पैरां कोल ते हथां ते पैरां दी कमान है मनुख दी बुद्धि कोल ते जे किते मनुख दी बुद्धि मन परायण होवेगी मनमुख होवेगा वह जालम बन जाएगा उहदी तलवार जुलम करेगी वह जाबर बन जाएगा वह धियां दियां इज्जतां लुटेगा वह मावां दे सुहाग खो लवेगा वो इस तरह का बन जाएगा जालम बन जाएगा जे मनमुख होया ते। पर जदों किसी की बुद्धि आत्म परायण होगी उस वक्त वो संत होगा। जेड़ा ये 100 साल का वकबा है ना गुरु नानक देव पातशाह तो लैके छेवें जामे तक का ये जेड़े पहले 5 महल ने इन्हां सारिया ने संत पैदा किए संत और जदों ना संत मुकम्मल तौर पर बन गए भगत बन गए गुरसिख बन गए जदों उन्हां दे हाथ विच तलवार आई तो तलवार फिर जुलम के खिलाफ डट के खलो गई उस तलवार विच्चों जुलम नहीं निकलिया उस तलवार दे विच्चों किसे दे उत्ते किसे दे प्रति दया भावता निकलिया जरूर किसी की राखी करने वास्ते तो वह तलवार चली पर किसी की इज्जत लुटन वास्ते उस तलवार ने वार नहीं किया बस यही फर्क है। और चेता रखियो ये बड़ी वड्डी गल है अज संसार दे उत्ते बड़ा शोर पिया इस गल का खास करके कल्ले सिख नहीं होर भी बड़िया कौमां ने वो शोर पाउंदियां आजादी की गल असी गुलाम हाँ जी असी आजाद भारत में भी गुलाम हाँ असी आजाद होने चाहिए हाँ
मेरी एक गल बहुत ध्यान नाल सुनियो, गुरु नानक दा रस्ता अध्यात्म दा रस्ता है भाई, ये बाहरी रूप विच आजादी प्राप्त करके कुछ नहीं होना, इहदे विचों कदे सुख नहीं निकलेगा। जिन्ना चिर तक तुसी अपने इन्हां इंद्रियां तो इस मनमुखी मन तो आजाद नहीं हुंदे, जे बाहरी रूप विच राज कायम भी कर लवोगे तां वी उहदे विचों दुख ही निकलेगा। इहनूं सौखे शब्दां समझा दिंदा, बाबा सोहन सिंह भकना होनी ये शब्द आख्या करते सन, आजादी वह सी जिहड़ी गुरु राम सिंह ने लैके दित्ती। अज आजादी साडी लंगड़ी है, क्यों? उन्हें आखना सतगुरु राम सिंह ने वह आजादी लैके दित्ती जिस आजादी विच लोभ नहीं सी, लालच नहीं सी, भ्रिष्टाचार नहीं सी, जिस आजादी विच झूठ नहीं सी बोलिया जाता, जिस आजादी विच चोरी नहीं सी कीती जाती, जिस आजादी विच ठगी नहीं सी मारी जाती। ते जे भाई आजादी प्राप्त, उन्हें आखना अज की साड़ी इस आजादी विच भ्रिष्टाचार भी है, लोभ भी है, लालच भी है, ठगियां भी ने, धियां दियां इज्जतां भी लुटियां जांदियां, आजादी लंगड़ी है। तो सब तो पहला गुरु नानक देव पातशाह तो लैके पंजवें पातशाह तक जिस आजादी नाल सानू जोड़िया वह आजादी सी साडे मन दी। जिस आजादी के बारे गुरबाणी के विच अनेक प्रमाण आए ने, कबीर जी आंदे ने मैं भी लड़िया वा पर बार किसे सूरमे नाल नहीं, बार दी कोई आजादी नहीं। बड़ा लंबा शब्द है उन्हां दा, उह कहिंदे ने आजादी मैं भी प्राप्त कीती, राज मैं भी प्राप्त कीता, राज मैं भी स्थापित कीता, पर बाहरी रूप विच नहीं। वो कहिंदे ने क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, पांच पचीस मोह मद मत्सर, प्रबल आडी आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहा करो रघुराया, काम किवारी सुख दुख दरवानी, पाप पुण दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर तह मन मावासी राजा। भगत कबीर जी आंदे ने ओ जितना ते मन नू सी, जे तू मन नू नहीं जित सकिया तां चेता रखी बाहरी रूप विच जिन्ना मर्जी वड्डा राज स्थापित कर लै, तू तां वी गुलाम रहेगा। मैं कई बारी एक गल करदा, राज बाबा बंदा बहादुर ने स्थापित कीता खालसा राज, उस खालसे राज दा बनिया की? राज स्थापित कीता बारह मिसलां ने, महाराजा जस्सा सिंह दा 300 साल मना रहे हैं, बनिया की? उस राज दा आपो च ही लड़दे रहे हो आपस च, कदी शुकर चकीए लड़ पए रामगढ़िया मिसल नाल, कदी रामगढ़िया आलू वाली नाल लड़ पिया, ये बारह मिसलां आपो च ही लड़दियां रहियां, एक दूजे नूं ही मारदे रहे। ये क्यों होया? क्योंकि अंदर की आजादी नहीं सी हो सकी, अंदर अजे काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे गुलाम साने सारे। महाराजा रणजीत सिंह दा राज होया, कित्थे गया वो खालसा राज? उस खालसा राज दा यही हाल होया, भई बाहरी रूप विच तां असी आजादी प्राप्त कर ली पर काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो आजाद नहीं सा होए, इसे करके दोबारा तो गुलाम हो गए। तो कबीर जी आंदे ने मैं भी मेरे हालात सने, मेरा जी करदा सी राज करा, फिर मैं की कीता, मैं लड़िया अपने क्रोध नाल, मैं लड़िया इन्ना इंद्रिया नाल, मैं लड़िया अपने मोह नाल, मैं लड़िया अपने काम नाल। सत संतोख लै लड़ने लागा तोरे दोए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। ये जड़ा मन रूपी राजा है ना, जिन्हों कोई फड़ नहीं सकता, उस मन रूपी राजे नू फड़ के मैं ढा के रखिया उसनू। भगवत पीर सकत सिमरन की कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गाड़ी उपर राज लियो अबनासी। आए राज जिहड़ा सिख ने प्राप्त करना है, आए राज जिहड़ा खालसे ने प्राप्त करना है भाई, वह राज अबनासी राज जिस राज तो कोई ला नहीं सकता। महाराजा रणजीत सिंह दा 40 साल दा राज खत्म हो गया, पर कबीर जी आंदे ने खालसे ने ते ओ राज प्राप्त करना जिस राज तो कोई ला ना सके। बस उस राज दी नींह रखी सी गुरु नानक देव पातशाह ने, सानू आजाद कराया, सिखा नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो आजाद कराया। सिख सूरमे बन के लड़े इन्हां दे नाल, उन्हां दे अंदर लालच ना रह गया, उन्हां दे अंदर लोभ ना रह गया, वह झूठ नहीं सन बोलते, वह सच बोलते सन। मैं कहना यह किड्डी वड्डी गल है,
ਭਈ ਸਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋ ਕਰਕੇ ਬੰਧਨ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਜੀ ਧਨ ਭੂਮ ਪਦਾਰਥ ਜੋਈ ਕਹੋ ਆਪ ਹਮ ਦੇਵੈ ਸੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਬਣੋ ਕਿਉਂ ਤੁਰਕ ਅਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਔਲਾਜ ਹਮਾਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੁਲਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਜੇ, ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ, ਇਹ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਬੂਟ ਚੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਲੋਕ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਤੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਣੇ ਸਵਾਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ? ਪਤਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਹਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਖੁਦਾਏ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਰਤ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰੈ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ, ਇਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਫਕੀਰ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਕਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ, ਪਤਿਤਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੀਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ। ਬਾਬਾ
साई मियां मीर ने आख्या है, ओ खुदा है जिदा दर्शन सारी जिंदगी तपस्या करन तो बाद हर संसार दे उत्ते पीर ते फकीर लोचदे ने। मैं अर्जे कर रहा जेड़ा सतगुरु एडी वड्डी अजमत दा मालक है, भैड़े शब्द बोले वड्डे भरा ने, पर गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने अगों आख्या कुछ ना, फिर भी यतन किया समझाउण दा, जदों ना मन्निया। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, पातशाह अपने आसन तो खड़े होए, दोबारा फिर भरा वड्डे नूं मत्था टेकिया ते पातशाह वापस आ गए। एडी वड्डी निम्रता, तान होदे होए निताणा, जिदे पल्ले कुछ ना होवे आखे मैं बड़ा वड्डा त्यागी हां, उह त्याग नहीं, सारा कुछ हुंदिया आखे मेरा मुझ में कुछ नहीं, हुंदिया आखे फिर है। तान होंदिया होए निताणा, मान होंदे होए निमाणा, अण होंदे आप गणाए, को ऐसा भगत सदाए, कोई है इस तरह का। सारा कुछ हुंदिया भी आखे भी मेरे कोल कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, बड़ी औखी गल है। तो छेवें पातशाह अजर नूं जरन वाले ने, आखिरी गल करके समाप्ति कर दिना। एक तां पातशाह ने तलवार फड़ी हाथ विच, इस उत्ते किंतु होया। दूसरी गल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे जीवन विच्चों, पहले पंज सतगुरु शिकार नहीं सन करदे, छेवें पातशाह शिकार करन लग पए। इस गल दे उत्ते किंतु होया, सतगुरु प्रताप सिंह जी दे उपदेश विच आउंदा, ऊं तां हर सतगुरु साहिबान दे वेले ही जदों किसे सतगुरु ने अपनी जोत किसी दूसरे शरीर में टकाई ना, तो बहुत सारे सिख भुल गए, पर आंदे छेवें जामे वेले आके तो बहुते भुल गए, थोड़े रह गए। वो आखन ये किहो जिहा गुरु है तलवारा पाई फिरदा, ये किहो जिहा गुरु है जिन्हें कुत्ते रख ले ने, शिकार खेडन निकल तुरदा। और इथों भुलेखा पै गया सिख पंथ के अंदर भी शायद मास खा लेना चाहिए। पर मैं अर्ज करा, इतिहास नूं पढ़िया, इतिहास नूं वाचिया, कुछ गल्लां साडे सामने इस तरह दी आउंदियां ने जिहड़ियां सानूं समझनियां चाहीदियां ने। सब तो पहली तां इह गल है, छेवें पातशाह ने जिथे जिथे भी शिकार किया, खास करके शेरां दे शिकार किए, उन्होंने शेर का शिकार भी उहदा करदे सन जिहदा इह पता लगदा सी शेर आदमखोर हो गया। जदों शेर आदमखोर हो जाए ना, वह फिर बंदियां नूं खाण लग पैंदा, वह बस्तियां विच आ के खराब करन लगदा लोकां नूं। और उन्हां समयां विच शेर नूं मारना सौखी गल नहीं सी। सिखां ने सेवकां ने आके जदों अर्ज करनी गरीब नवाज, शेर आदमखोर हो गया, पातशाह ने आखना कोई नहीं शिकार करो कोई सूरमा, ते अजे एडे वड्डे सूरमे नहीं सन सिख बणे भी शेर का शिकार करन, पातशाह आप करना। एक जिक्र आउंदा पातशाह एक वारी वडाली वडाली गुरु की, सिखा आके अर्ज की, सच्चे पातशाह एक सूर बड़ा भूतरिया होया, सूर वो खेतियां खराब करदा, अगो मारन पैंदा, फड़िया नहीं जांदा, पातशाह आख्या भी आपां चलदे आ, पैंदे खां। सूरमा अपने आप नूं वड्डा समझदा सी, सतगुरु आख्या वेखी सूर जान ना पाए, पैंदे खां दे हत्थों सूर निकल गया, उहने गोली मारी, वह सूर एडा बलवान सी, वह गोली खा के भी पेंदे खां वल नूं नसिया, ते आ के घोड़े नूं टुड्डा मार मार के घोड़े नूं जख्मी करता, एडा बलवान सूर सी। जदों पातशाह वेख्या भी लाचार हो गया पेंदे खां, फिर जाके वार किया, दो टोटे कर दिते उहदे। हुण दूजा नुकता सुणियो, पहली तां इह गल है जिहड़े नुकसान करदे सन उहनां नूं मारिया, दूजी गल इह सूर कौन सी। जदों जिथे जिथे भी पातशाह शिकार किया किसी जीव का, उहदा उधार किया, साखियां पढ़ के वेखणियां चाहीदियां ने। इह सिख सी गुरु अर्जन देव पातशाह दे समय का, जदों बाबा बुढ़ा साहिब पास माता गंगा जी गए ना पुत्र वर की प्राप्ति वास्ते, ते बाबा जी ने आख्या गुरु क्या नूं कित्थों भजना पै गईआं, इह नाल सी। जदों इन्ने सुनिया ना ते मूँह चढ़ाउण लग पिया भी दस सियाने ब्याणे ने ते किहो जिहियां गल्लां करदे ने, शंका आ गया, ते बाबा बुढ़ा जी की रसना तो निकले आओ, क्यों सूर वांगू मूँह मारदा तू, क्यों सूर वांगू मूँह मारदा। उन्हें उस वेले हाथ जोड़े आखन लगा, जी
साधु बोले सहज सुपाए, साध का बोलना बिरथा जाए। नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे। महाराज तुसी कह दिता पर हुण सूर ते मैं बनना, पर कृपा करो मेरा उधार होवे। उस वक्त बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या सी छेती होवेगा, छेवा जामा तेरा उधार करेगा। हुण पातशाह दा किसे दा शिकार करके उहदा उधार करदे ने पए। कांगड़े पातशाह जांदे ने, एक सप पातशाह बैठे ने, एक सप आउंदा है, सिख उहनू मारन लगदे ने। पातशाह आंदे ने हथ नाल आयो। उस सप ने जो नेड़े आया ना ते सतगुरु अपना चरण छुआया ते सप की मौत हो गई। सप का शरीर पाट गया। शरीर विच इन्ने किरम सन, इन्ने कीड़े, वेख के डर आउंदा सी। सिखा आख्या सच्चे पातशाह यह कौन है, इन्ने कीड़े सप के अंदर। सतगुरु आख्या यह मंत सी, पिछले जन्म का मंत सी। ये जिहड़े कीड़े ने ना इहदे चेले सन, ये सारे चेले इनू लिया लिया के धन पदार्थ कट्ठा करके खवाउंदे सने, बैठा खांदा सी। भाई गुरदास लिखते ने अंधा आगू जे थी है सब साथ मुहाणा। किसी अन्ने उत्ते विश्वास ना कर लियो। श्रद्धा अन्नी होनी चाहिए है, ठीक है, पर किसी अन्ने उत्ते श्रद्धा ना कर लियो, वह आप भी डुबेगा, तुहानू भी लै डुबेगा। पातशाह आखन लगे मंत सी, ये सारे चेले सन, इहनू लिया लिया खवाउंदे सन, ये खांदा सी बैठा। ना इसने आप नाम जपया, कोई कर्म चंगा किया, ना चेलिया नूं सिख्या दित्ती भी कोई कर्म चंगा करना चाहिए। हुण सप बनिया, वह चेले इहनू खांदे ने पए। चेता रखियो इदां दीआं बड़ियां साखियां। साहिब दसम पातशाह एक वारी एक कां नूं मार दिता। सेवका आख्या सच्चे पातशाह एडा एक, चलो कां बोलदा भैड़ा पर घट्टो घट को नुकसान तो नहीं सी साडा करदा, ये बेचारा अपने रंग विच सी, तुसा तीर मार के इहनू मारता। भाई संतोख सिंह लिखते ने पातशाह आख्या प्रथम लांगरी होत हमारा, ये मेरा पहला लांगरी सी। मैं एक दिन हिसाब लाया, मैं सोचिया भी सेवादार बनना भी औखी गल आ, बड़ियां साखियां ने आ हाल होए, आ हाल होए, मंतां दे भी बुरे हाल होए, कई साखियां ने, जथेदारां दी साखी कोई नहीं। मैं कहा जथेदार बन जाओ, ये चंगी गल आ, उन्हां दी साखी कोई नहीं, अजे तक मेरे सामने नहीं आई। चलो खैर ये गल एक पासे है, पर इस नुकते नूं समझियो। कदे भी कर्म जिहड़ा है संसार दे विच तुहाडी मानता तुहाडे कर्म नाल है। तुसी किन्ना वर्क करदे हो, किन्ने पैसे कमाउंदे हो, लोग कहणगे चंगा है। तुसी किड्डी वधिया पोस्ट उत्ते हो, लोग कहणगे चंगा है। तुहाडा कर्म, तुहाडा एक्शन जो है ना, वह संसार विच मानता दवा सकदा है, पर सतगुरु घर विच कर्म दा कोई बहुत वड्डा गुण नहीं। सतगुरु दे घर विच तुहाडी भावना ने तुहानू उच्चियां चुकना है, तुहाडे कर्म ने नहीं। यह थोड़ा जिहा फर्क है। जदों असी दुनिया विच कर्म कांड करते हैं साडी सोभा आउंदी, सानू लगदा भी गुरु नू भी इसे तरह रझाया जा सकदा, नहीं। साहिब दसम पातशाह दे उत्ते लिखदे ने ओ भावना बहीन कैसे पावे जगदीश को, कामना अधीन सदा दामना प्रवीन, एक भावना बहीन कैसे पावे जगदीश को, भावना तो बिना कर्म कीतियां नहीं वह मिलता, भावना करके मिलना ही, उसने भावना प्रधान होनी चाहिए है। तो इस करके मैं अर्ज कर रहा हूं साहिब हरगोबिंद पातशाह गुरु जी ने जदों शिकार खेडिया ना, जिथे जिथे शेर का शिकार किया, आदमखोर शेर का शिकार किया, दूसरी गल जिथे जिथे शिकार किया उन्होंने मुक्त किया। पुराने साधु ये पढ़िया करते सन, ओ गुरु भुलिया बख्शनहार ते बिछड़े मेल दा गुरु, भुलिया बख्शनहार बिछड़े मेल दा गुरु,
आखिरी गल करके समाप्ति कर दिना वा। मास की गल आई है, छोटा जिहा एक नुकता बस सांझा कर लवा। नामधारियां उत्ते बड़ी वारी यह सवाल हुंदा जी तुसीं मास नहीं खांदे, गुरबाणी इहदे बारे की कहिंदी है? कथा बड़ी लंबी है, इको प्रमाण रखदा। पातशाह कहिंदे ने जी बदहो सो धर्म कर थप हो अधर्म कहो हो कत भाई। जे जिया नूं मारना धर्म का काम है फिर अधर्म किनू आखोगे, दी डेफिनेशन दे दिओ। ते आपस को मुनिवर कर थप हो का कहो कहो कसाई। जे जिया नूं मारन वाला महंत है संत है फकीर है साधु है ते कसाई किनू आखोगे दस दिओ। ते मैं अर्ज कर दिया कुदरती तौर दे उत्ते प्रकिरति दे तौर उत्ते भी मनुख मास खाण वास्ते नहीं बनिया। दो तीन प्रमाण सांझे कर दिना। शाकाहारी ते मासाहारी जीवां दे विच कुदरत ने बड़ा वड्डा प्रकिरति ने बड़ा वड्डा फर्क रखिया। जिन्ने मासाहारी जीव संसार उत्ते पैदा हुंदे ने, चाहे कुत्ता है बिल्ली है शेर है, उन्हां दे बच्चे बंद अखां पैदा होणगे, छेती नहीं अख खोलदे। जिन्ने शाकाहारी ने सारिआं दे जीव जदों बच्चे पैदा हुंदे ने उसे वेले अखां खोल के उसे वेले एक्टिव होणगे। इन्हां नूं समा लगता है मासाहारियां नूं। जिन्ने मासाहारी जीव ने वह सारिआं नूं परमेशर ने दंद नोकीले दिते ने, मास नोच के खा सकते ने, हाथ नोकीले दिते ने नोच के खा सकते ने। शाकाहारियां दे दंद भी चपटे हाथ भी नहु भी चपटे, असीं नहीं नोच सकते किसी नूं। जिन्ने मासाहारी जीव ने संसार दे उत्ते उन्हां सारिआं दी जठरागन इस तरह की हुंदी है। शाकाहारी जीव नालो दस गुणा ज्यादा उहदे विच तेजाब बणदा है, तां ही वह मास पचा सकते ने। जिन्ने शाकाहारी ने उन्हां दी जठरागन तेजाब इन्ना ज्यादा नहीं मास पचा सकन। मनुख का भी नहीं पचा सकता, चेता रखियो, नहीं पचा सकता। जिन्ने शाका मासाहारी जीव ने उन्हां दी जो आंतड़ियां ने वह बहुत छोटियां होंदियां ने। जिन्ने शाकाहारी जीव ने आंतड़ियां बहुत लंबियां होंदियां ने, मनुख दियां भी 20-21 मीटर तक भी हुंदी है। जिन्ने मासाहारी जीव ने उन्हां नूं पसीना नहीं आउंदा, चेता रखियो। जदों उन्हां नूं किते अंदरों तापमान वध जाए उन्हां दी जीव बाहर निकल आउंदी है, हाफ हफदे ने। जिस तरह आपां कुत्ते नूं वेख्या होवेगा, कदी शेर नूं वेख्या होवे, वह अपने तापमान नूं इदां सैट करदे ने। पर जिन्ने शाकाहारी ने उन्हां दे शरीर दा तापमान जां बाहर दा तापमान वधे, उन्हां दी बॉडी अपने आप पसीना छड्डन लग पैंदी, अपने आप नूं उस तरह दे ढंग नाल बॉडी अपने आप ऑब्जर्व करती है। और मनुख भी इसे तरह चेता रखियो। जिन्ने मासाहारी जीव ने वह सारे जदों पानी पीते ने वह जीव नाल पीते ने, कभी वेख्यो। जिन्ने शाकाहारी ने बुलां नाल पीते ने, असी भी जीव नाल नहीं पीते, जीव बाहर कढ के वेख्या को पानी पीता। एक कुदरत दे नियम ने, कुदरत दे कुछ फर्क ने। और जदों असी कुदरत दे नियमां दे अनुसार भी वेखांगे तो सचमुच ही मनुख एक शाकाहारी प्राणी संसार दे उत्ते बनाया गया है, मास खाण लई नहीं बनाया गया। अज दी रिसर्च ये कहिंदी है जे समस्त संसार दे उत्ते सारे लोग मासाहारी हो जाना, बहुत ध्यान नाल नुकता समझियो, सारे जीव जे मासाहारी हो जाण ते वह जिहड़े जीवां मासाहारियां नूं असीं खाणा है, उन्हां मासाहारियां ने भी तो कोई ना कोई अनाज खाणा है। तो उन्हां मासाहारियां दी ढिड की पूर्ति वास्ते जे अनाज की पैदावार की जाए तो सारे संसार से थां ही नहीं बचेगा, इन्नी फसल उन्हां नूं चाहिए होगी। इस करके दुनिया के उत्ते प्रकिरतिक तौर के उत्ते भी जदों असी गल करांगे तो यह भी बड़ा वड्डा एक पोल्यूशन ही है क्रिएट किया जा रहा अज दे मनुख वल्लों। जदों असी मास खाने, मास खाण वाले उस जानवर नूं जिन्ना भोजन चाहिए ना, उस भोजन की जिहड़ी पैदावार जिन्नी धरती विचों हो रही है, साइंसदानां दा मत है एक मनुख नूं एक एकड़ तो घट थां चाहिए है जिन्ना उसने अन्न खाना है अपने जीवन च। पर जे मास की गल करांगे डेढ़ एकड़ तो वध थां चाहिए है एक मासाहारी जीव नूं अपना पालन पोषण करने वास्ते, ढिड भरन लई इन्ना थां चाहिए है।
इस करके भी अज लोग शाकाहारी हो रहे ने। भी एक रिसर्च तो यह भी आई भाई जिन्नी वड्डे तौर दे उत्ते अज मासाहार लोग खा रहे ने, जे किते मनुख मनुख नू खान लग पवे, बाकी जीवां दा मास छड़ दे खाना, जिन्ना मास अज मनुख बाकी जीवां दा खा रहा वह छड़ दे खाना, मनुख मनुख दा मास खान लग पवे, 19 दिनां दे विच धरती खत्म हो जाएगी। 19 दिनां विच इस करके मैं अर्ज करां साडे गुरु साहिबाना ने शिकार कीते उहदे कारण होर ने, शिकार इस करके नहीं कीता भई जीव दे स्वाद वास्ते नहीं कीता। कबीर साहब बाणी विच कहिंदे ने कबीर खूब खाना खिचड़ी जा मैं अमृत लोन, ओ हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन, हेरा तो भाव है शिकार। कहिंदे ने शिकार करके रोटी खाद्दियां कौन इस पाप नूं भुगते, चंगी है वह खिचड़ी जिदे विच लून पिया होया, जिदे विच घिओ पिया होया, वह प्रशादा चंगा है। खिमा मंगना गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं नमस्कार करदे हां, सब एक बारी आखो गज के धन श्री सतगुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह। दे चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो ते शेयर करो, धन्यवाद।